पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता लेकर यह जानकारी दी कि दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्पाइडर मैन की तरह घरों में घुसकर चोरियों को अंजाम देने वाला चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा और अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि कैसे उसने चोरी को अंजाम दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह चोर काफी शातिर है। पूरे क्षेत्र में पैदल घूम घूम कर पहले तो रेकी करता था और उसके बाद नगबजनी की घटनाओं को अंजाम देता था और इन घटनाओं को अंजाम देने में खुद को स्पाइडरमैन की भूमिका पर रखता था। यह स्पाइडरमैन चोर जिसका नाम मनीष यादव उर्फ सागर है, 32 वर्षीय यह शातिर चोर दुर्ग के वार्ड क्रमांक 24 न्यू दीपक नगर का रहने वाला है। इसके पास से दुर्ग पुलिस ने तकरीबन 5 लाख रुपए का मशूरका भी बरामद किया है। घटना की पूरी जानकारी एवं आरोपी के गिरफ्तारी की जानकारी पत्रकार वार्ता लेते हुए दुर्ग शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने मीडिया को उपलब्ध कराई है। थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर कुछ समय से चोरियों की शिकायत आ रही थी। इन चोरियों में विशेष तौर से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो कि फ्लैट टाइप के और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को चोर के द्वारा निशाना साधा जा रहा था। इसमें किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर फिर नीचे उतरते हुए लाइक स्पाइडरमैन चोरी को किया जा रहा था। बड़ा हैरतअंगेज तरीके से चोरी के मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा क्राइम ब्रांच की टीम और मोहनगर की थाने की टीम को स्पाइडरमैन चोर के नाम से जाना जाने वाला यह शातिर मनीष यादव अब दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी सुकून का माहौल छाया हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।